वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं IDBI बैंक के बारे में। इसके ऊपर मैं लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी तब मैंने बनाई थी 15 सितंबर को, और तब का प्राइस और अब का प्राइस मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा, और मैं बताऊंगा मैंने क्या टारगेट दिया था वो भी बताऊंगा। और चाहो तो आप मेरी ये जो वीडियो है 15 सितंबर की वो प्ले करके देख लेना कि मैंने उस समय क्या टारगेट बताया था और अभी का क्या टारगेट है। तो जैसा कि अभी करंट प्राइस इसका 39.20 रुपये यानी करीब 39 रुपीज़ 20 पैसे, और 7% इसकी डे लो में क्लोजिंग है। और आप देखोगे इसका ओपन था 42 रुपीज़ 25 पैसे, हाई था 42 रुपीज़ 50 पैसे, लो था 38 रुपीज़ 75 पैसे। तो अभी का जो प्राइस आपके सामने ही है। अब एक बार देखो लास्ट टाइम का, मैं बताता हूँ कि मैंने जो वीडियो बनाई थी 15 सितंबर को, और 15 सितंबर को जो इसका प्राइस था वो 39 रुपीज़ 25 पैसे था। उस समय मैंने कहा था इसे 38 रुपीज़ के SL के साथ इसे ट्रेड करना है, कि अगर ये 38 रुपीज़ को ब्रेक करेगा तभी इसमें कोई बड़ी गिरावट आ सकती है। और मैंने जो टारगेट बताया था, मैंने कहा था अभी के लिए 42+ का टारगेट है। अगर 42 से ऊपर यानी 43 रुपीज़ या 42 के ऊपर भी 2-3 दिन तक सस्टेन रहता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। और देखो कुछ ही दिनों में अभी ये प्राइस 15 सितंबर, और आप देखोगे 16 सितंबर को अगले दिन ही ये शेयर आपको 42+ तक गया था। और आप देखोगे ना कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर इसका डे हाई 42 रुपीज़ 50 पैसे तक भी हाई गया था, पर मैंने 42 को ही बताया था, क्योंकि देखो लास्ट टाइम जो इसका आखिरी पीक था ना वो पीक था कभी 42 रुपीज़ 50 पैसे। हमेशा ऐसा होता है कोई भी शेयर का प्राइस बैंड होता है, जो उसका पीक होता है जो लो होता है, अगर जब भी उसे ब्रेक करेगा तो बहुत बड़ी, देखो अगर लो साइड में ब्रेक करेगा तो गिरावट आएगी, और हाई साइड में ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। अभी के लिए वही, अगर कोई इसमें अभी भी अगर किसी ने SL रखना है तो 38 रुपीज़ का SL है, जब तक इसे ब्रेक नहीं करता तब तक आप पैनिक मत होना। और इसके बाद जो हमारा SL आएगा वो आएगा 36 रुपीज़ 70 पैसे, ठीक है। ये तो अभी मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर 200 डे का सपोर्ट है, 50 डे का सपोर्ट 38 रुपीज़ के आसपास है, तो आप इन्हीं को SL रखो। और अगर आप देखो पैनिक मत होना इसके ऊपर, क्योंकि 7% गिरावट हुई है, पर इसका जो ट्रेडिंग पैटर्न है आप देखोगे तो पूरे चांस है शेयर ने बीच में रिकवरी करने की कोशिश करी है, और शायद मंडे को एक अच्छी खासी रिकवरी भी हो सकती है इसके ऊपर। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले शेयर के ऊपर। अब इसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। इस शेयर का प्राइस है 49 रुपीज़ 25 पैसे। अगर आपको याद होगा कि इसके ऊपर जो मेरी लास्ट वीडियो थी वो थी 12 सितंबर को, और 12 सितंबर को मैं इसका प्राइस बताने पहले आज की इसकी डे की परफॉर्मेंस देखते हैं। जैसे कि ओपन हुआ था 51 रुपीज़ 35 पैसे, हाई गया था 51 रुपीज़ 35 पैसे, और लो था इसका 48 रुपीज़ 15 पैसे। अभी का जो प्राइस है, अब एक बार 12 सितंबर का प्राइस देखते हैं इसके ऊपर। जैसे कि 12 सितंबर का जो हमारा प्राइस आ रहा है, देखो 12 सितंबर को भी संडे था तो हम 9 सितंबर का प्राइस कंसीडर करेंगे। यहाँ पर प्राइस है 46 रुपीज़ 90 पैसे, और उस समय जो मेरा इसमें एक दो SL मैंने दिए थे, एक तो मैंने दिया था कि 46 रुपये रखो, एक मैंने स्ट्रॉन्ग SL दिया था 45 रुपीज़ का। अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो 45 का एकदम परफेक्ट SL था, अगर इसको ब्रेक करेगा तभी कोई बड़ी गिरावट आएगी। तो उसके बाद देखो 9 सितंबर के आसपास मैंने प्राइस के साथ वीडियो बनाई, जब मंडे को मार्केट खुली 13 सितंबर को, तो एक अच्छी खासी रिकवरी हुई और ये शेयर अप साइड में 50 रुपये प्लस गया, और मैंने 50 रुपये का ही टारगेट दिया था उसमें। और फिर मैंने अभी के लिए ये है कि देखो अभी कोई इसे बाय करना चाहता है तो सिंपल है, जब तक 50 रुपये से ऊपर सस्टेन नहीं होगा तब तक किसी ने इसे बाय नहीं करना। जब 50 रुपये से ऊपर एक या दो दिन सस्टेन हो गया, यानी मतलब 50 रुपये 51 रुपये बीच में सस्टेन हुआ, तब आपने इसे 55 रुपये के SL के लिए बाई करना है, और उस समय 49 रुपीज़ का SL रखना है। जो अभी का हमारा SL आ रहा है, जिन्होंने शेयर बाई कर रखा उनके लिए 48 रुपीज़ का SL आ रहा है। देखो यहाँ प्रॉपर सपोर्ट आ रहा है यहाँ पर 50 का, तो आप क्योंकि बीच में आ रहा है 50 डे और 200 डे, तो हम आराम से 48 रुपीज़ के SL के साथ इसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सिर्फ ट्रेडिंग करना, लॉन्ग टर्म मत रखना इस शेयर के ऊपर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए शेयर के। किसी शेयर में किसी तरह की इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करो।